गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह हम रेडी हो गए, मैं रेडी हो गई हूँ, ये चेहरा भी 7:30 बजे रेडी हुआ है। तो हम जाने वाले हैं घूमने और निकलने वाले हैं सुबह से लेके शाम तक के लिए। केवल हम दोनों रेडी हो गए हैं, बाकी ही लोग रेडी हो गए हैं, बस देखने जा रहे हैं हम लोग। तो हम पहुँच गए हैं कृष्णा मठ और अब जा रहे हैं दर्शन करने, लेकिन अभिषेक ने लेट कर दिया है और हम लोग 8:30 बजे पहुंचे हैं। ऐसे उठा ही नहीं, आज सुबह में 6 बजे उठने के बाद शाहनी सर के सपने जो देख रहा था इसके नींद खुलने में बहुत देर हो गई। अब हम चूंकि आ गए हैं तो हम लोग अब जब जागो तभी सवेरा होगा, तो हम लोग अब अभी जल्दी जल्दी सब कवर कर लेंगे और कृष्णा मठ में जल्दी चल के हम लोग लाइन में दर्शन वगैरह करके फिर आपको अपडेट करते हैं कि यहाँ की मार्केट कैसी है। हाँ, वो पहले ही उतार के आ गया, हम ही लोग उस पहन के आए, तभी हमें शूज स्टैंड भी ढूंढना पड़ेगा। भीड़ तो लग गई है, मार्केट ओपन हो गई है। जैसे ही हम मंदिर में दर्शन कर लेंगे फिर हम आपको मार्केट का जायजा देते हैं। हम तो उसके पहले दे देंगे। वो तो बोल रहा है कि शर्ट आपको उतारना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, शर्ट उतारना पड़ेगा, मुझे पहनना ही नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है। ये पूरा कुछ मार्केट है जो हम दर्शन करने के बाद विजिट करने वाले हैं। तो अगर विजुअल होगा तो लाइन दिख रही होगी, लाइन बहुत लंबी लगी हुई है और हम लाइन में लग गए हैं, पता नहीं कब तक दर्शन होंगे। तो हमारे मंदिर में दर्शन हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। यहाँ बन रहा है अन्नदानम के लिए प्रसाद और बर्तन बहुत ही बड़े बड़े हैं। करने के बाद हम आ गए हैं मार्केट में और मार्केट में कुछ करने वाले हैं एक्सप्लोर, फिर बताते हैं क्या क्या लिया है। सो हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे पास में एक वुडलैंड करके रेस्टोरेंट है, लास्ट टाइम के ब्लॉग में भी मैंने बताया था बहुत अच्छा है। तो आज हम आए हैं इसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि बहुत भीड़ है। 4 पर्सन तो ये हम पहुँच गए हैं कुछ खाना खाने के लिए। बोला था कि मार्केट विजिट कराओगे, तुम तो मार्केट विजिट कराए नहीं, दिखाए ही नहीं कुछ, निकल लिए तुम तो। हमने मार्केट विजिट की और पंजुरली का मुखौटा लिया, जिसको पंजुरली की तरफ पूजा जाता है, दरवाजे के बाहर लगाया जाता है। घर बुक करने जाने के लिए अभी सबसे बड़ा टास्क ये है उसको ठीक करो पहले, बिफोर मूविंग एनी फर्दर। खुश हो रही है। हम पहुंच गए हैं मालपे बीच में और जाके अब थोड़ी सी कुछ करने वाले हैं, कुछ पैराग्लाइडिंग वगैरह देखते हैं क्या करते हैं, पर पहुंच गए। हम आ गए हैं बीच पे और बीच पे बहुत ही ज़्यादा वाला धूप है, तो यहाँ से निकल के बैठते हैं छाए में, कुछ देखते हैं क्या क्या करने के लिए है यहाँ पे। अभी से एक जा रहा है पैरा सीलिंग करने के लिए, रेडी है चश्मा उसमा रेडी है। अरे बोट का इंतजार हो रहा है ना अभिषेक, कैसा थोड़ा दुख दुख हो रही है? थ्रिलिंग लग रहा है, थ्रिलिंग लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ये कोर में 80 रन बनाने और मेरा 3,000 रुपया लगा है। तो अब हम जा रहे हैं पैरा सीलिंग के लिए और अभिषेक गया है, उसने बोला बहुत ही अच्छा मजा आ रहे हैं। तो अभी हम दोनों ने अर्जेंट बेसिस पे टिकट लिया है और जल्दी से जा रहे हैं। हमारी बोट हमें मिल गई है, पैराग्लाइडिंग जो भी है वो करने के लिए। और लहरें बहुत तेज हैं। तो अभी हम जाने वाले थे बट जो बोट थी वो जा चुकी है, तो हम यहीं पे वेट करेंगे या तो जाके, लेकिन लहरें इतनी ज़्यादा तेज हैं कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, वही प्रीवियस वाला डर लग रहा है। हम दोनों बोट में बैठ गए हैं और थोड़ी देर से हमारी बोट चलने वाली है और लहरें बहुत तेज से हैं और उतनी ही मुझे डर लग रही है। तो अब हम शिफ्ट हो गए हैं दूसरी बोट में, फ्लाई करने के लिए रेडी है। अभिषेक कहाँ है? अभिषेक चला गया है फ्लाई करने। पता नहीं। तो हम दोनों से
लॉन्च हो रही है। अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं सबसे क्लीनेस्ट बीच में, लेकिन सनसेट होने वाला है अप्रॉक्स, ये आपको सनलाइट दिख रही होगी तो आई थिंक, हाँ हमें नहीं लगता कि हम पहुँच पाएंगे बट देखते हैं स्टिल। मैं ट्राई करती हूँ कि शायद टाइम से पहुँच जाऊँ और वहाँ सनसेट देखने का मौका मिल जाए। हमारी सवारी चल दी है एक नए बीच की तरफ, नए सफ़र की तरफ। बीच का नाम क्या है? अजीब सा बीच का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, पडुबिद्री। पडुबिद्री बिट्रे न कर देती दिनेश, क्या बोलते हैं सही से? पडुबिद्री। पडुबिद्री और ये सबसे क्लीनेस्ट बीच है, ब्लू टैग है, एकदम साफ सुथरा है, देखते हैं कितना साफ है। अभिषेक को क्या पता है, कुछ बता नहीं रहा है। अभिषेक अभी अपने मैच में कुछ और है। कुछ और में बिजी, मैच में मैच ही खेलता है वो इतना मैच खेल रहा है अभिषेक। हम पहुंच गए हैं अपने बीच एरिया पे और ये है वो बीच। जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं कुछ फोटोज क्लिक। हवा बहुत ही तेज है। संजीव बहुत आगे आगे वगैरह, रुको तो सही। हाँ तो आ रही हूँ ना। ओ क्या हुआ अभिषेक, कैसा लग रहा है? तुम्हें घूमना है, धीमे धीमे घुमाना है। बीच से आने के बाद हम जा रहे हैं चॉकोलावा केक खाने। अभी मैंने मोमोज खाए, हम जा रहे हैं चॉकोलावा केक खाने पिज्जा हट में। तो आज है हमारा लास्ट दिन मणिपाल में, इसके बाद हम मूव करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद हम मूव करने वाले हैं केरल, और केरल के लिए कल मॉर्निंग की हमारी है ट्रेन, उसके बाद हम पहुंचेंगे मुन्नार। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की मॉर्निंग पे जब हम निकलते हैं मुन्नार के लिए, और मुन्नार में क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ों के साथ।